नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड। हालांकि मैटर सऊदी का है, लेकिन भाई गल्फ कंट्रीज में लगभग लेबर लॉ मान लीजिए या फिर इंडियन एम्बेसी के कानून या इंडियन एम्बेसी हेल्प सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता, सब पे सेम प्रोसेस होता है। तीन अपडेट हैं, तीन अपडेट का मतलब है आप लोगों के काम की न्यूज़ ये हो सकती है, क्योंकि आप विदेश की धरती पे बैठे हो भाई इंडियन लोगों, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे देखिए, आम आदमी प्रेस प्रॉब्लम जो होती है आपके, उसमें हेल्प तो पड़ोसी करता है सबसे पहले, लेकिन इंडियन एम्बेसी का सबसे बड़ा रोल होता है। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी के हेल्प के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडियन एम्बेसी, यहाँ पे तीन अपडेट मेरे पास आए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा स्क्रीनशॉट के साथ में, आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। एक नीलम नाम का बंदा है जो सऊदी में जॉब कर रहा था, उसके दोनों पैर टूट गए। जी हाँ साथियों, एक्सीडेंट हो गया, कंपनी में जॉब कर रहे था, कोई भाई ने ट्वीट किया इंडियन एम्बेसी को, तो बिल्कुल एम्बेसी ने तुरंत प्रभाव से उसको रिप्लाई देते हुए हेल्प की उम्मीद दी। जी हाँ, तो भाई कभी भी आपको ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो इंडियन एम्बेसी से पहले कॉन्टेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि इस बंदे के पैर दोनों फ्रैक्चर होकर टूट गए, तो सऊदीया में इलाज मुझे नहीं लगता हो पाएगा, तो बंदे को बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लगभग साल भर से पहले तो चांस ही नहीं है बेड से उठने का। तो इस हालत में हेल्प कौन करेगा, इंडियन एम्बेसी से तुरंत कॉन्टेक्ट करके घर के लिए रवानगी दे तो अच्छा होगा आपके लिए भी, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो। सेकंड भाई बात कर लें, गुरमीत सिंह है बंदा पंजाब से। जी हाँ, MGOS कंपनी सऊदीया में काम कर रहे थे, दमाम में इनकी डेथ हो गई। जी हाँ, कंपनी में काम करते समय इनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में इनकी बॉडी है। इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट की है भाई जल्दी से जल्दी इनकी बॉडी घर पहुंचाई जाए, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरबिया एक ऐसी कंट्री है गल्फ कंट्रीज में कि सबसे टाइम लग जाता है, एक महीने से दो महीना तक लग जाता है बॉडी आने में, और वो भी तब जल्दी पहुंचती है तब वहाँ पे कोई बंदा एक्टिव हो। कोरोना की महामारी आपको चल रहा है भैया, कितनी बड़ी मतलब एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, कितनी लोगों की डेड बॉडीज़ को वहीं का वहीं दफन कर दिया गया। ये इंडियन एम्बेसी को ट्वीट किया गया, इंडियन एम्बेसी से उनसे कॉन्टेक्ट हेल्प मांगी, इंडियन एम्बेसी से रिप्लाई भी एम्बेसी की तरफ से दिया गया कि भाई घर से कॉन्टेक्ट नंबर उनकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जाए, और घर जो होम है उनका इंडिया में उनसे हमें कॉन्टेक्ट किया जाए। तो एक अच्छी न्यूज़ है भैया, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपके साथ या आपके साथी के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो इंडियन एम्बेसी से तुरंत आप संपर्क करके इस पे जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई पे दबाव बना के और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान आप कर सकते हैं। यह संभव इंडियन एम्बेसी की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है। सऊदी अरबिया में भैया देखिए, एक न्यूज अच्छी और भी है, तीन अपडेट मैंने आपको बताया था। ये न्यूज है, एक आदिल अली नाम का बंदा है जो बीमार हो गया था सऊदी अरबिया में। मैं हर बार बोलता हूँ कि हर कफील, हर जो आपका होता है वहाँ का, जिसको अपनी भाषा में बद्दू बोलते हैं लेकिन रियल में लैंग्वेज कफील ही है, कफील हर इंसान का कफील बुरा नहीं होता। ये आदिल अली है, मेरे पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बंदा, इस बंदे को भयंकर एक बीमारी की वजह से खून की कमी है। जैसे इसके कफील को पता लगा, कफील खुद इसको हॉस्पिटल में लेके गया तीन रातों से। जी हाँ, तीन रातों से आदिल अली के साथ उसका कफील साथ में है। इन्होंने बताया कि ये बच्चे की तरह मेरी सेवा की, ये मेरे लिए फरिश्ता है। बहुत अच्छी बात है भाई, इन्हीं की वजह से लोग वहाँ पर विश्वास टिका हुआ है। हालांकि पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, एक मछली साले तालाब को गंदा कर देती है, कहावत भी सत्य है, लेकिन सब लोग खराब नहीं होते। एक आदमी खराब होता है उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो ये लगता है कि सऊदीया में ऐसा है। मैं हर वीडियो में ये बार बार बोलता भी हूँ। तो बस ये अपडेट सऊदी से रिलेटेड थी भाई, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आपके साथ भी ऐसी घटना हो जाए तो पहले पड़ोसी काम आएगा, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ही आपकी हेल्प कर पाएगी, तो आप उनसे ज़रूर संपर्क में रहें अगर आप ऐसी मुसीबत में हो तो। बस ये अपडेट देना था, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।